नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार शाम 5 बजे के करीब सुरक्षा घेरे को बड़ा चकमा देते हुए योगेश त्रिपाठी नाम का 21 वर्षीय युवक भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट जा पहुंचा और एयरपोर्ट जा करके उसने राधा स्वामी सत्संग के अगस्त्या AW139 विमान में जमकर तोड़फोड़ की और लगभग 1 घंटे तक उसका ये हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुका और इसके बाद रनवे पर भोपाल से उदयपुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट के सामने आ गया और पायलट की बड़ी ही सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टाला जा सका। आपको बता दें कि युवक का नाम योगेश त्रिपाठी, उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है, जो BCA थर्ड ईयर का छात्र है। इसके साथ ही साथ युवक अरेरा कॉलोनी 11 क्वार्टर का निवासी बताया जा रहा है। CISF से बातचीत करते हुए युवक ने कविताएं, कहानी, शायरी लिखना, योग आदि को अपनी महत्वपूर्ण रुचियां बताया है। और वहीं बात करें हेलीकॉप्टर तक आखिर युवक पहुंचा कैसे, तो एयरपोर्ट अफसरों के मुताबिक स्टेट हैंगर के गेट से करीब शाम 5 बजे युवक दाखिल हुआ था। वह CISF जवानों की जैकेट पहने था, इसलिए गेट पर खड़े गार्डों ने अंदर जाने दिया और स्टेट हैंगर से बाहर MP पुलिस की चेक पोस्ट है, लेकिन पुलिसकर्मी भी जैकेट से धोखा खा गए। स्टेट हैंगर के आगे CISF की चेक पोस्ट है, वहां ड्यूटी गार्ड को उसने एक कार्ड दिखाया तो गार्ड ने उसे रनवे पर जाने दिया था। वहीं युवक ने पुलिस से बातचीत करते हुए पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए जब पुलिस ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो युवक ने कहा कमांडो टेस्ट देने आया हूँ, मेरा सपना है। तो पुलिस ने पूछा कि ट्रेनिंग ली है कभी कमांडो की, तो युवक ने कहा कि फिजिकली फिट हूँ, मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।